Bismillahir Rahmanir Rahim. This is lecture of numerical solution of ordinary differential equations. Now in this lecture we will discuss system of differential equations. How we solve system of differential equation. तो ये देखिए पेज इस पे in general a system of n first order differential equations can be written as this: dy1 over dx, dy2 over dx, dn dyn over dx. तो ये इस तरह सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस अगर हों तो उनको हमने कैसे सॉल्व करना है. तो इस मेथड के साथ हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस को बना के. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम दो क्वेश्चंस बना लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये मेथड सारा आगे ये हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको इसके मुताबिक हमने लिख के तो वो अप्लाई करने हैं. तो ये एग्जाम्पल है, इम्प्लाई द आयलर मैथड टू सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी ये इनिशियल कंडीशन हैं. तो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फ्रॉम एक्स जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू थ्री बाई टेकिंग द स्टेप साइजेज ऑफ 0.1 एंड 0.01. तो ये देखो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन पहले मैंने निकाल दिया है. तो इसको ये एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके ये आप लोग जानते हैं. तो फाइनली नेक्स्ट पेज पे 27 पेज पे ये सॉल्यूशन निकल आता है. अब हम आयलर मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं टू सॉल्व द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फर्स्ट सेपरेटेड इनटू टू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय असाइनिंग. ये हम अगर पुट करें dy ओवर dx इज इक्वल टू z, तो इक्वेशन 1 जो है ना वो बन जाएगी dz ओवर dx इज इक्वल टू -2z -4y. और फिर इसके साथ वो कंडीशंस भी बदल जाती हैं. पहली कंडीशन y0 इज इक्वल टू 2 तो वही रहती है, दूसरी कंडीशन z की बनेगी डेफिनेटली, तो वो z0 इज इक्वल टू 0. आयलर इक्वेशन इज देन अप्लाइड टू इक्वेशंस 5 एंड 6 में हमने आयलर इक्वेशंस अप्लाई करनी है विद द स्टेप साइज h इज इक्वल टू 0.1. तो ये देखो i वो उन फार्मूलों में अगर हम ये y i प्लस वन इज इक्वल टू ये फार्मूला बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन 7, और जेड आई प्लस वन जेड आई प्लस एफ टू ये फार्मूला बन जाता है क्वेश्चन 8. तो इनमें हमने आगे पुट करके i इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y1 निकल आया, z1 निकल आया, और ये कंप्यूटर सॉल्यूशन फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में यूज हो जाएंगे. तो i इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y2 और z2 निकल आए. वो बिल्कुल वही सिस्टमेटिक ये तरीका है. द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द लास्ट स्टेप एट x इज इक्वल टू 3 इज रीच्ड. द कंप्यूटर सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द स्टेप साइजेस h इज इक्वल टू 0.01 एंड 0.1 आर कंप्यूटेड विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन इन टेबल. वो आगे पेज पे टेबल गिवन है, उसको आप देखेंगे. नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उसमें यही जो एग्जांपल है इसको सॉल्व करना है, और फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड से इसको सॉल्व करना है. तो ये भी हमारे पास ये मेथड एक आ जाएगा कि हमने फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड कैसे सॉल्व करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को. वो ये देखो उसको उसी तरह से दो क्वेश्चन में चेंज कर लिया. क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है और 2 और 3 वो उसकी दो क्वेश्चन बना ली. इस पे फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड अप्लाई करना है. वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस वन, वर्सेज आप जानते हैं कि इसका फार्मूला है. यहाँ पे के वन के टू के थ्री के फोर हम निकालते हैं, और ये हर स्टेप 2 और 3 पे फिर हम इसको ऐसे करते हैं. फाइनली ये फार्मूले वाई वन वाई टू निकालने के होंगे. वाई आई प्लस वन इज इक्वल टू वाई आई प्लस ये ब्रैकेट बाहर एच लिखना है. तो इसमें के वन वाई के टू वाई के थ्री वाई के फोर वाई, तो ये इस तरह से के वन जेड के टू जेड ये फार्मूले में. तो यहाँ से ये वैल्यूज के वन वाई कैसे निकालना है एफ वन से, के टू वाई एफ वन में वही आर के मेथड जैसे हमने अप्लाई किया था उधर ऐसे ही ये यूज करना है. के थ्री वाई निकल आएगा, के फोर वाई निकल आएगा. तो इस तरह से ये देखो इस ऑर्डर में इन वैल्यूज को निकालना है, ठीक है ना. पहले के वन जेड, फिर के टू जेड, फिर के थ्री जेड, फिर के फोर जेड. द फंक्शन एफ वन एंड एफ टू आर एफ वन इज इक्वल टू जेड आई, एफ टू इज इक्वल टू
माइनस टू जेड आई माइनस फोर वाई आई, तो विद द इनिशियल कंडीशंस ये वही है जो शुरू में हमने लिखा था। एट द फर्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो लेंगे, वाई जीरो इज इक्वल टू टू लेंगे, जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो लेंगे, एच 0.1 है। द कैलकुलेशन आर टू बी डन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, देखो किस तरह कैलकुलेशन करनी है। पहले के वन वाई निकालना है वही एफ वन से, तो उसमें एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की टू है, जेड की जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू जेड जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो है। इसी तरह फिर के वन जेड निकालना है, फिर के टू वाई निकाल के फिर के टू जेड निकालना है, फिर के थ्री वाई निकाल के फिर के थ्री जेड निकालना है, फिर के फोर वाई निकाल के फोर जेड निकालना है। तो देन द न्यू सोल्यूशन ऑफ वाई एंड जेड इन क्वेश्चन फाइव एंड सिक्स आर, तो ये वाई वन जेड वन, इनमें ये जो वैल्यूज हमने निकाली हैं इनको पुट करेंगे। दी सोल्यूशन आर यूज इन द कंप्यूटेशन ऑफ द सेकेंड स्टेप, द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द लास्ट स्टेप इज रीच, the computer solution is compared with the exact and Euler solution table में इनका comparison भी है। तो ये देखो आगे table है इसका, comparison of Euler's and fourth order RK solutions obtained from solving example 7.6 and 7.7 with the exact solution। तो ये इस तरह से इनका comparison भी आपके सामने है। तो आपने आगे तीन चार steps तक calculation करके देख लेनी है। This is all about this lecture. Thank you very much. Allah.